ये ऐसी पद्धति है जिसमें जो हमें सुनाई नहीं देती, ठीक है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कान हमारे को सुनाई कोई चीज सुनाई नहीं देती है, वो देती है निश्चित रूप से देती है, ठीक है ना। तो अब इस चीज के बारे में हम समझे कि ध्वनि प्रदूषण के रूप में अगर हम देखें तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में उसको प्रभावित कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, वो जो चीजें होती है उनकी तीव्रता और आवृत्ति पर डिपेंड करती है। इस पर डिपेंड करती है तीव्रता और आवृत्ति पर वो डिपेंड करती है कि तीव्रता कितनी है उसकी आवृत्ति कितनी है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई है वो डेसिबल है। ये डेसिबल जो है ध्वनि को मापने का मात्रक है, इसकी इकाई है, इसके माध्यम से ही हम ध्वनि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल या डीबी लिखना पड़ता है, ठीक है। एक सामान्य रूप से अगर हम देखें तो जो मानव के कान है या मानव जो है वो जिस ध्वनि को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, उसकी जो ध्वनि है उसका जो डेसिबल कितना है, 80 से लेकर 120 है। 80 से लेकर 120 डेसिबल तक की इकाई को हम क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा अगर कुछ प्रकार से इकाई में शोर ज्यादा होता है तो फिर वो शोर की आवाज सुनने को जाती है और फिर वो किसके संदर्भ में याद किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में याद किया जाता है। तो ये कुछ कारण थे और उन कारणों के अलावा भी कुछ कारण है, ठीक है ना, जिनको हम ध्वनि प्रदूषण में शामिल करते हैं। औद्योगिकरण विकिरण यातायात के साथ ध्वनि भी शामिल किए हुए, ठीक है ना। इनसे निकलने वाले जैव वायु से निकलने वाले, इनसे फिर क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण से दो प्रकार की हानियां होती है, क्या होती है हानियां, निश्चित रूप से चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, सबके संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या होती है हानियां होती है। तो इसके हानि के रूप में अगर हम देखें तो ये हानियां मुख्य रूप से देखिए या मनुष्य, तो मनुष्य के रूप में संदर्भ है तो सुनने का काम किसका है, मनुष्य के। वैसे तो जानवर भी सुनते हैं लेकिन उनमें बेचे उसका हम अध्ययन नहीं करते, हम केवल मानव की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो मानव के संदर्भ में कई प्रकार की क्या आती है आने में जो आती है, मानव के एक सबसे पहला जो कारण होता है मानव के मस्तिष्क पर ये पड़ता है। मानव के मस्तिष्क पर इसका क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है, मानव मस्तिष्क पर पड़ेगा तो निश्चित रूप से क्या होगी बेचैनी, मन में अशांति, ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है। तो पहली हानि जो होगी या इसका जो पहला प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, मानव मस्तिष्क पर इसका सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण मानव की व्यवस्था जो है मानसिक स्वरूप से है उसके अंदर का बदलाव देखने को मिलेगा। मानव मस्तिष्क से प्रभाव पड़ने के बाद में इसमें सीधा सवाल है, देखो इससे क्या होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन या बेचने के संदर्भ में हमें इसको चिड़चिड़ापन हो जाएगा, यानी लगातार इस तरीके से अगर ध्वनि सुनना है तो मस्तिष्क की जो तंतु होते हैं उन तंतुओं पर प्रभाव होता है, जिससे मानव चिड़चिड़ापन होता है, किसी के साथ ढंग से बात नहीं करता, किसी के साथ बहुत जोर से बोलता है, किसी के साथ बहुत धीरे से बोलता है, ये सारी चीजें मन में वैसा ही शांति रहती है, कभी बाहर आ रहा है, कभी बाहर से घर से बाहर जा रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, ये सारी चीजें होती है, वो चीजें अपनी स्थिति में आती है। तो सबसे प्रभाव उसका पड़ता है वो किस पर पड़ता है, मानव के मस्तिष्क पर पड़ता है, और उससे मानव जितना बहरापन हो जाता है, इससे क्या हो जाता है बहरापन, बहरापन का मतलब आदमी बहरा तक हो जाता है, सुनने की क्षमता जो होती है उसके अंतर्गत कमी आने लग जाती है, यानी थोड़े से दूर बैठे अगर हम कोई बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं दे, जो किसके प्रभाव में है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव में उस व्यक्ति को वो चीज सुनाई नहीं देती है, तो बहरापन हो जाता है। और अगर लंबे समय तक प्रभाव तो स्वर्ण शक्ति नष्ट, अगर इस ध्वनि प्रदूषण का मानव पर लगातार बहुत लंबे समय तक अगर इस ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़े तो मानव की स्वर्ण शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मानव पूर्ण रूप से क्या होता है बहरा हो जाता है। और इसके साथ साथ कई स्थितियां ऐसी देखी जाती है कि ध्वनि प्रदूषण से मानव जो है वो पागलपन की स्थिति में हो जाती है, पागल हो जाता है उस ध्वनि से, उस ध्वनि से क्या होता है पागल हो जाता है। तो पागलपन तक की जो बीमारियां हैं
जाती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में हमने जाना कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण की क्या प्रभाव रहता है। एक चीज और है कि जो वैश्विक की स्थिति आई है, इसमें अगर हम आज के दौर में अगर देखें तो ईयरफोन भी देख सकते हैं, जो हम गाने सुनते हैं ईयरफोन में या हेडफोन जो लगाते हैं या ईयरफोन लगाते हैं, वो भी क्या करते हैं कि बाहर की जैसे अब तो हमें खुले कर क्या है आवाज सुन रही है, तो आवाज जो है वो बाहर फैल भी रही है और हमारे को सुन भी रही है, ठीक है ना। लेकिन ईयरफोन में और जो हेडफोन होता है उससे पूरे कान की जो वायु होती है वो बंद हो जाती है और अंदर केवल उनकी आवाज जाती है, जिससे कान के जो पर्दे होते हैं उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो आपसे इस चीज के बारे में आशा करते हैं, स्कूल पूरी आशा करती है कि कम से कम ध्वनि प्रदूषण के रूप में इन उपायों को आप अपनाएं, इन कारणों के होने वाले संदर्भ से आप बचें। और दूसरा है जो बहरे का नहीं आप आनंद क्योंकि आपका सारा काम स्टूडेंट्स है, पूरा काम आपका बुद्धि का है, मस्तिष्क का है, तो मस्तिष्क आपका स्वस्थ रहे इसके लिए ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। और दूसरी बात ये बहरा पान है, स्वर्ण शक्ति नष्ट करेगी, ये जो ईयरफोन आप लगा के मोबाइल से गाने सुनते हो इसमें थोड़ी कमी दीजिए, कमी क्या इसको छोड़ दीजिए, आप गाने सुन रहे हैं तो कम आवाज में आप अपने स्पीकर्स में सुन सकते हैं, वो भी तेज गति से भी सुन सकते हैं, ठीक है ना। इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये हमारा एक जल प्रदूषण और एक ध्वनि प्रदूषण का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो मृदा प्रदूषण का रहेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जितना भी हमने ये टॉपिक करवाया है इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, देखना है, किताब में पहले पढ़ना है, फिर जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग फिर किताब के हिसाब से इसको देखना है, ठीक है ना। और उसका होमवर्क करना है, होमवर्क हर शनिवार के शनिवार आपको क्या करवाना है, चेक करवाना है, आपको सूचना मिल जाएगी, तो आप अपना होमवर्क करके क्या, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।